आज बनाने वाले हैं हम फुटलॉन्ग। और इसको हम बनाने के लिए घर में जितनी भी सारी चीजें यूज करते हैं हम उनको यूज करेंगे, और इसे हम घरेलू तरीके से। इसके लिए हमने लिए है पिज्जा सीजनिंग, ग्रीन चिली जिसे बारीक कट कर लिया है, और ये हमने लिया है बटर, और ये हमने ली है कुकुम्बर और कैरेट की म्यूनीज, और ये है ब्लैक सॉल्ट, और ये है चिली फ्लेक्स। हमने लिए सारी सब्जियाँ, ये है टमाटो, और ये है ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, और ये उबले हुए आलू हैं जिसमें हमने चिली फ्लेक्स और पिज्जा सीजनिंग मिलाकर पहले से तैयार कर लिया है। ये है पनीर, और ये है कैबेज, ये कोरिएंडर। इसको हमने सारी सब्जियों को छोटा छोटा कट कर लिया है, और अब हम तैयार करते हैं इसकी स्टफिंग। हमने ये बाउल ले लिया है, इसमें हम पूरी स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमने आलू तैयार किए हुए थे वो हम इसमें ले लेंगे। अब इसमें हम रेड कैप्सिकम मिलाएंगे, ग्रीन कैप्सिकम, टमाटो, कोरिएंडर, पनीर, ग्रीन चिली जिसे हमने बारीक कट कर लिया, और उसमें हम रेड चिली फ्लेक्स मिलाएंगे। इसे आप अपने हिसाब से भी मिला सकते हैं, जैसे तीखा पसंद है उस अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। और ये ब्लैक सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार, पिज्जा सीजनिंग। अब इन सबको हम मिला लेते हैं, और ये हम थोड़ा सा मिलाएंगे चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे। इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। पत्ता गोभी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें म्यूनीज ऐड करेंगे। म्यूनीज को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चलाते हुए। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए हमारी स्टफिंग अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी ब्रेड में स्टफिंग, अब हम इसमें चीज ऐड करेंगे। चीज को हम अलग से भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा मिला लेंगे इतना। अब हम इसको कट करेंगे, थोड़ा सा लंबा है, हम इसको दो हिस्सों में कर लेते हैं। दो हिस्से के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे। हमने ये इग्निस अवन लिया है, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। अब हम इसे इस ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। दोनों तरफ हल्का हल्का बटर लगा लेते हैं, मतलब हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हमें बाहर भी लगाना है सेकते टाइम इसको। हमने इसमें हल्का सा सॉस लगाया है,
बहुत ही हल्का हल्का सॉस लगाना है। और हम एक लेयर पे इसकी मेयोनीज लगा देते हैं। आप अपने अनुसार इसमें ज्यादा या कम लगा सकते हैं। अब हम इसमें अपनी बनाई हुई फिलिंग ऐड करेंगे। हम फिलिंग को अच्छे से इसमें भर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे देखने में और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। मुझे तो इसमें बहुत सारी स्टफिंग पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे हल्का सा खूब सारा चीज डालेंगे। कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा इसमें ऊपर से तीन चार चीजें डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा थोड़ा सा पीछे सीजनिंग ऐड करेंगे, इस लेयर पे भी डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा चीज को ऐसे दबाते हुए बस हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे, इसे दबा के ये तैयार हो गया हमारा। ये देखिए हमारी स्टफिंग, देखिए कितनी प्यार, कितनी अच्छी फीलिंग लग रही है। देखिए वाओ, ये तो अभी सही से तैयार भी नहीं है और मन कर रहा है बस मैं खा लूँ फटाफट। देखिए अब हम इसमें को अवन में रखेंगे। इसके लिए मैं इसमें हल्का हल्का बटर लगाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड वाला तैयार करेंगे। ये देखिए हमने दोनों में बटर लगा दिया और हम इसको अब अच्छे से ही अंदर की तरफ इसको रख देंगे। बहुत ज्यादा देर तक चीज मेल्ट होते हुए ये जो बाहर आ रही है कितनी प्यारी लग रही है, यम्मी टेस्टी। एक्चुअली मेरे पति को चीज बहुत पसंद है